वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें कुछ मेथड जो थे वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें आपके फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। अब ये सिंपल एवरेज मेथड जो है उसमें आपका बिल्कुल पहले जैसे ही जो अपन ने वेटेड एवरेज में ये चीज़ें बनाई थी, स्टोर लेजर जो है बिल्कुल सेम बनता है। किस तरह से? डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट ही होता है, लेकिन हम एवरेज और वेटेड एवरेज में पहले अमाउंट और फिर रेट लिख देते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ रेट हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो हम रेट का कॉलम आगे और अमाउंट का यहाँ बना सकते हैं, और आप पहले भी बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमने एक ये क्वेश्चन लिया है। देखिए, आपने रिसिप्ट कब कब किया, परचेज कब किया, और ये इशू कब किया है, वो अलग अलग दिया हुआ है। देखिए, जनवरी 1st को ओपनिंग हमारे पास 100 kg था, रेट कितना है 10 rupees पर kg। 5th को हमने परचेज किया 500 kg, रेट कितना है 25 rupees पर kg। 400 kg परचेज किया 22 के रेट से। तो अलग अलग डेट, क्वांटिटी और रेट हमें गिवन है। ऐसे ही इशू हमने जनवरी 20th को किया है 600 kg, फिर 900 और 500। इशू किस रेट पे किया है उसी के लिए हम ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज देखा था, फीफो लीफो मेथड देखा था हमने। अब यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस हमेशा लिखेंगे, तो ये जनवरी 1st को ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए रिसिप्ट और इशू में नहीं लिखा। बैलेंस आपके पास 100 kg है, उसकी रेट देखिए आप 10 है, तो वो लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रेट आता है। 100 है, 10 rupees का है, तो कितना हो गया अमाउंट, 1000 हो गया। चलिए अब उसके बाद जनवरी 5th को आपने परचेज किया है 500 और रेट देखिए कितना है 25। 500 परचेज किया, रेट है 25, तो ये आपने 25 लिखा। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 आ रहा है। इस दिन आपने कोई इशू नहीं किया तो वहां मैंने डैश कर दिया। बैलेंस कैसे लिखेंगे, देखिए 100 आपके पहले था, 500 और आ गया, तो क्वांटिटी टोटल हो गई 600। बैलेंस में अमाउंट 1000 था, ये और आ गया 12,500 का, तो टोटल 13,500। ठीक है, अब वेटेड एवरेज में तो थोड़ा काम सिंपल था। ये जो आपका अमाउंट था, इसमें क्वांटिटी डिवाइड करके यहाँ रेट निकाल ली थी। लेकिन सिंपल एवरेज मेथड में ध्यान रखिए, केवल प्राइस जो है, रेट है, उसी का एवरेज होता है। कैसे? आपके पास देखो 10 rupees वाला मटेरियल भी है, अभी अभी आपके पास किस रेट से आया, 25 से, तो आप 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 17.50 आपका रेट हो गया। तो जो प्राइस है उसका हम एवरेज लगाते हैं सिंपल एवरेज मेथड में, ध्यान रखिएगा। तो 10 rupees वाला भी है और ये 25 वाला भी आ गया, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगेन आप देखिए 5th के बाद इशू तो 20th को किया है, उसको देखो आपने, उसके बाद 5th को कर दिया, 19 को आपने पहले और परचेज किया है, तो आप जनवरी 19 को और परचेज कर लिया। कितना परचेज किया है 400, रेट कितना है 22, मल्टीप्लाई करोगे तो 8800 होता है। इस दिन आपने कोई इशू नहीं किया, बैलेंस बताइए 600 ये था, 400 और आ गया, तो कितना हो गया 1000। 600 पहले बैलेंस था, 400 और रिसिप्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 1000। बैलेंस में 13,500 था और ये और आ गया, तो इसे प्लस जब आप करेंगे तो ये आ रहा है 22,300। अब एवरेज
एवरेज कैसे लगाएंगे देखिएगा। 10 रुपीज वाला मटेरियल भी है हमारे पास, 25 वाला भी है, और अभी अभी हमने परचेज किया 22। डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा क्योंकि यहां प्राइस कितनी है 3, तो प्लस करके डिवाइड बाई 3 करेंगे तभी एवरेज प्राइस आएगा। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपका आ रहा है 19, ये 19 एवरेज आ गया। ठीक है, चलिए आगे। जनवरी 20th को हम इशू कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं तो इशू में लिखेंगे। ये देखिए इशू कितना कर रहे हैं 20 जनवरी को 600, और इसका रेट क्या लगेगा 19। अरे ये रेट ही कैलकुलेट इसीलिए की थी, ये जो रेट कैलकुलेट हर बार करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जब नेक्स्ट इशू होगा तो किस रेट पे होगा। तो ये 19 आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 11,400, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया। चलिए 1000 हमारे पास बैलेंस था, 600 आपने इशू कर दिया, कितना बचा 400, 22,300 हमारे पास अमाउंट था जिसमें 11,400 हमने इशू कर दिया, बचा हमारे पास 10,900। ठीक है, चलिए अब यहां एवरेज प्राइस कैसे लगाएंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे देखिए मैं आपको यहां हल्का सा बता देता हूं। आपके पास सबसे पहले 100 था 10 रुपीज रेट वाला, फिर आपके पास 500 आया 25 वाला, फिर 400 आपके पास आया 22 वाला, ये तो हमें पता ही है। चलिए अब आप मुझे बताइए आपके पास ये जो आपने 600 इशू किया है इसमें आपके सिंपल एवरेज के साथ साथ में फीफो मेथड भी चलता है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो आपने ये इशू किया है वो पहले वाला पहले किया है। तो 600 इशू देखो करा होगा, ये आपका जा चुका है और ये भी जा चुका है, मतलब 10 रुपीज वाला जो मटेरियल था वो फिनिश हो चुका है, इशू कर चुके हैं, 25 वाला भी इशू कर चुके। तो अब ये जो 400 बचा है वो किस रेट का है 22 रुपीज वाला, तो इट मीन्स 22 वाला है तो आप उसे एज इट इज लिख दोगे, एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा प्राइस का ही तो एवरेज लग रहा है, और यहां पर ये 10 और 25 रुपीज वाला जो मटेरियल था वो इश्यू हो चुका है, 400 जो बचा हुआ है वो 22 रुपीज वाला ही है, तो आप उसे एज इट इज लिख दोगे, एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना आप ये क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट कुछ और आएगा, बाकी सब में है तो एवरेज सही आता है लेकिन इसमें अलग अलग आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमेशा बैलेंस आप माइनस करके निकालोगे, रिसिप्ट होता है तो प्लस करोगे, बैलेंस में रिसिप्ट होता है तो प्लस करेंगे, इशू करेंगे तो अमाउंट को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करके मत निकालिएगा। बैलेंस में कभी मल्टीप्लाई करके निकालोगे सिंपल एवरेज मेथड में तो गलत हो जाएगा, फीफो में हो सकता है, लीफो में हो सकता है, वेटेड एवरेज में हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। और साथ साथ में इस तरह से आप हल्का सा वर्किंग नोट में कर सकते हैं ताकि ध्यान रहे कि कौन कौन सा मेटेरियल जा चुका है तो हमें किस रेट का एवरेज लगाना है। ठीक है, चलिए उसके आगे बताइए। ये हो गया जनवरी 20th का हो गया, उसके बाद देखिए 24th जनवरी को आपके पास 800 परचेज हुआ है और जो रेट है वो 30 है, तो 24,000 हो गया मल्टीप्लाई करने। इशू आपने किया नहीं, बैलेंस हमेशा देखो 400 है उसमें ये 800 प्लस करेंगे क्योंकि रिसिप्ट हुआ है, इसमें आप ये प्लस करोगे तो ये 34,900 आ जाएगा। अब रेट देखिए आपके पास 400 तो पहले से ही था और ये 800 जो है वो और आ गया 30 वाला, तो अब हमारे पास दो रेट हैं, 22 रेट वाला भी है और 30 वाला भी है, तो 22 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इस तरह करके एवरेज करेंगे।
तो जब आप एवरेज कैलकुलेट इसका करोगे तो ये आपका हो जाएगा 26, ठीक है। चलिए जनवरी 24th के बाद 28th को हम इश्यू कर रहे हैं, देखिए कितना इशू किया, 900 इशू किया है, तो 900 का रेट क्या होगा, यही जो 26 हमने अभी कैलकुलेट किया था, 900 को 26 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 900 को 26, 23,400 आपका अमाउंट आएगा, ठीक है। चलिए 1200 में से 900 आप इशू कर चुके हो तो कितना बचा, 300, इसमें से आप ये लेस करोगे तो आपका अमाउंट बचा 11,500, ठीक है। अब फिर वही बैलेंस करते वक्त आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, हमने 900 इशू किया है तो आप ये जो अपन ने करा था, देखो 400 तो ये इशू कर चुके, 900 में 400 तो 22 वाला था, बाकी 500 आपने इसमें से किया है तो ये 300 ही बचा है, ये केवल और केवल 300 बचा है, कितने का, 30 का, तो इसलिए आप यहां केवल 30 ही लिखोगे, क्यों, क्योंकि वहां पर आपके पास 300 केवल सिंगल रेट 30 वाला ही है और कोई रेट है ही नहीं एवरेज करने के लिए, क्योंकि बाकी रेट का हम इशू कर चुके हैं। तो साथ साथ में ये फीफो मेथड और चलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 28th के बाद बताइए 3 फरवरी को 800 रिसिप्ट हुआ है, रेट है 600 रिसिप्ट हुआ है, रेट है 20, ये देखिए 600 है और रेट है 20, मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 होता है। अच्छा, इशू आपने इस दिन किया नहीं, बैलेंस 300 पहले था, ये 600 और आ गया तो 900 हो गया भाई, और 11,500 में ये ऐड करेंगे तो 23,500 अमाउंट हो गया। अब बात आती है एवरेज की, एवरेज मैं यहां लिख देता हूं इधर थोड़ा सा आगे, ये 300 तो देखो पहले से था 30 वाला, और अभी अभी आपके पास 600 और आ गया 20, तो हमारे पास दो रेट वाला है, 30 वाला भी है और 20, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 25 एवरेज आता है, 30 वाला भी मटेरियल है 20 भी है तो एवरेज कर दिया, ठीक है। चलिए लास्ट 13 फेब को आपने 500 जो है वो इशू किया है, तो इशू में लिखेंगे और किस रेट पर, 25 पे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 12,500 आ रहा है। अब सुनिए 900 में से 500 गया तो कितना बचा, 400, इसमें से आप ये लेस करोगे तो ये आपका बचा 11,000, और रेट का मैंने कहा था वहां कंफर्म करना कितना इशू किया है, 500, तो आपके पास देखो 300 तो 30 वाला था, 620 तो ये तो जा चुका, और इसमें से भी 200 गया तो 400 बचा, किस रेट का, 20 का, तो एज इट इज 20 लिख दोगे, एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 400 है और किस रेट का है, 20 रुपीज वाला, तो एज इट इज 20 लिख देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर एवरेज हम लगाते हैं केवल प्राइस का, और प्राइस भी उसी का जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो साथ साथ में ये फीफो मेथड जो है ये भी फॉलो करना होता है हमें, ताकि ध्यान रहे कि हमारे पास जो मटेरियल है वो किस रेट का है। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे कीजिएगा, आप पूरा क्वेश्चन एक साथ वीडियो देखकर और फिर करने की कोशिश करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। तो आप क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ आप कीजिए, दो लाइनें कीजिए पॉज करके, फिर उसको स्टार्ट करके, फिर देखिए आगे की दो लाइनें, फिर उसको साथ साथ में आप उसे कीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आए, जब पूरा समझ में आ जाए उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को कंप्लीट एक साथ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।